सभी को आज हम इस वीडियो में प्राय हम ये देखते हैं कि लोगों को एक बात का संदेह रहता है, रामायण और श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस रामायण की कथा के अनुरूप ही लिखी गई है, लेकिन इसे हम रामायण नहीं कह करके श्री रामचरितमानस कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी की कृति है और श्री रामायण जी वाल्मीकि जी की कृति है। इन दोनों में अंतर है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ में दोहा, चौपाई, सोरठा ये मुख्य रूप से लिखे गए हैं। आज की इस वीडियो में वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार पूरी वाल्मीकि रामायण जो है 24,000 संस्कृत श्लोकों में लिखी गई है, वैसे ही श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है। और अब रामायण संस्कृत श्लोकों में लिखी है तो उसके लिए संस्कृत पढ़ने का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब कुछ लोग श्री रामचरितमानस जी के दोहे अवधी भाषा में पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको श्लोक पढ़ने में थोड़ी समस्या रहती है। उन्हें लगता है कि वो शुद्ध श्लोक नहीं बोल पा रहे। तो आज के इस पार्ट में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो हर एक कांड के शुरू में श्लोक रहते हैं उनको बोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है श्री रामचरितमानस जी का प्रथम कांड बाल कांड श्लोक। यहाँ लिखा है, मैं आपको एक एक शब्द बोलूँगा, आप उसे सुनेंगे, फिर अपने यहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ इसे पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग इसको जिस तरह से श्लोक को छंदमय गाते हैं, छंद होता है जैसे उसे लय में गाते हैं, वैसे ही हम गाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जब भी किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो उसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और संस्कृत के लिए तो ऐसा कहते हैं कि संस्कृत के शब्दों पर ऐसी पकड़ होनी चाहिए, ऐसा उच्चारण रहना चाहिए जिस प्रकार से एक बिल्ली जो है अपने छोटे से बच्चे को पकड़ती है और उसे दांत नहीं लगने देती, वैसी ही पकड़ रहनी चाहिए। अर्थात इतनी सुदृढ़ पकड़ होनी चाहिए हमारी, तो वरना, क्या लिखा है, वरना 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 ना मर्थ संगा नाम। अब ये जो बिंदी रहती है संस्कृत में इसको मा ही अधिकतर बोलते हैं हम, ठीक है। रसा नाम छंद, क्या है ये, छंद सा मपी, अब इसे बोलेंगे वर्णा नामर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपी। अब दूसरी पंक्ति, मंगला मंगला नाम च कर्ता रव वंदे वाणी विनायकौ विनायकौ। अब इस पंक्ति को बोलेंगे, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये हमारा पहला श्लोक जो है यहाँ पर खत्म होता है। अब इसे कहते हैं श्लोक।
श्लोक में यहाँ आपको एक एक विराम दिख रहा है ना। यहाँ पहली लाइन हमारी समाप्त होती है और यहाँ हमारी दूसरी लाइन समाप्त होती है, वहाँ पर दो ऐसी लाइनें खींची होती हैं, दो पूर्ण विराम लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आके एक श्लोक खत्म होता है। तो अब इस पूरे श्लोक को इस तरह से बोलें, वर्णा नामर्थ संगा नाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अब दूसरा श्लोक, भवानी क्या है, भवानी शंकरौ शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनौ। अब आगे, याव्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। क्या है ये, मीश्वरम्। यहाँ दूसरा श्लोक समाप्त हुआ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा श्लोक, वंदे क्या है ये, वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर, क्या है ये, शंकर रूपिनम यमाश्रितो यमाश्रितो श्रितो ही बक्रो पी। ये जो एस दिखाई दे रहा है इसे नहीं पढ़ते, ठीक है, पी बोलेंगे इसको, बक्रो पी। चंद्रह सर्वत्र वंद्यते वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अब है आगे वाला श्लोक, एक एक शब्द को पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो उसके बाद धीरे 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 अभ्यास से ये बहुत आपका बहुत सही से उच्चारण होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही दिन आ जाएगा, नहीं, आपको इसके ऊपर बार बार अभ्यास करना है, फिर आपको आप उसे अपनी अपनी अपने द्वारा भी टोन दे सकेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीता राम, क्या है, सीता राम गुण ग्राम पुण्या पुण्या रण्य विहारी नव वंदे विशुद्ध, क्या है ये, विशुद्ध विशुद्ध विज्ञानव कवीश्वर कपीश्वरव कपीश्वरव। ये आ गया हमारे पास श्लोक संख्या चार, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिनौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब है आगे हमारे पास पांचवा श्लोक, उद भवस्थिति। अब पहले दा बोलेंगे, उ के बाद ये वाला दा, फिर यहाँ भा है, भा से भालू, ठीक है। उद भवस्थिति संगार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व, क्या है, सर्व श्रेयस करीम सीताम।
न तो हम राम भल भाम। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे वाला श्लोक। यन माया वश वर्ती विश्व मखिलम ब्रह्मा ब्रह्मादि, ब्रह्मा ब्रह्मादि। ऐसे ब्रह्मा तो हमें पहले से ही पढ़ना आता है, हमने दी भी साथ में जोड़ देना, ब्रह्मादि देवा सुरा। यत सत्वा दो मृषैव, यत सत्वा दो मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा। अब आगे है यत पादप, पादप यादा पा है, यत पादप लव मेक मेव मेव ही भवाम भोदे स्थिति स्थिति। अब स्थिति ये रा दिख रहा है, इसको भी इसके साथ ही बोलेंगे स्थितिर स्थितिर। अब रा तो पहले बोलिए, अब शा रह गया यहाँ पर, श वताम बोदे स्थितिर शावताम। आगे वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य मीशम हरिम। अब श्लोक को फिर से बोलते हैं, ठीक है। यत पादप प्लवमे प्लवमेकमे वही भवाम बोधे स्थितीर्षावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। एक बार मैं अंत में सब श्लोकों को बोल के आपको सुनाऊंगा, पहले आप एक एक शब्द जो है वो अच्छे से सीख लें। अब आगे है नाना, क्या है नाना, पुराण निगमा गम सम्मतम यद क्या और दा यद, ठीक है। अब आगे है रामायणे रामायणे निगदितम निगदितम क्वचिद क्वचिद। अब इसको इस तरह से पढ़ लेंगे क्वचिदन्यतो क्वचिदन्यतो पी क्वचिदन्यतो पी। अब आगे स्वांतः, क्या है स्वांतः, सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और अंत में भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। हम देखते हैं अधिकतर शब्द जो हैं संस्कृत के, हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं उससे मिलते जुलते ही हैं, कुछ अलग नहीं है। अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे हिंदी वाले वर्ड्स के साथ तो हमें संस्कृत आसानी से बोलना आ जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से सब श्लोकों को मैं आपको एक बार उच्चारण करके बताऊंगा, आप इसका उच्चारण सुनेंगे और फिर अपने घर में पुस्तक खोल करके इन्हें पढ़ेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए हम यहीं तक ही रखेंगे, और अगर आपको इसी तरह का और आगे अन्य कांडों के भी श्लोकों को पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं कि हमें दूसरा पार्ट भी आप बना के दीजिए ताकि हम इसे देख सकें। कोशिश तो यही रहेगी कि हम दूसरा पार्ट भी जल्दी से जल्दी बनाएं। तो अब हम इन श्लोकों को बोलेंगे। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ
वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनौ याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहिर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि ववां भोदे स्थितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमा गमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। ये थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद है आपने ये वाले श्लोक सीखे होंगे। अब हम आगे पाठ में दूसरे श्लोकों के ऊपर भी अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।